बोल दो इन्हें। तो अभी हम जा रहे हैं साकेत, ठीक है, वहाँ पे चाय अच्छी मिलती है। ऐसे लगे जैसे मैं सो गया। भाई ये मेरे को मोटी बोल रही है मैडम, एक बार देखना इनको बता ना। मैंने तो नहीं बोले तुम्हें मोटी, अभी मैंने कहा लग रही है रोड जान के। भारी लग रहा है। कितना किलो? चला उठाई लो पहले तुम। ये जोर लगा के हाइशा उठ गई, उठ गई, उठ गई, फाइनली उठ गई, लेकिन कहीं उस तरफ ना चले जाना बस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है? सुबह 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 के 6:30 बज रहे हैं, वैसे मैं 5 बजे का उठा हुआ हूँ, मतलब प्रॉपर तरीके से 5 बजे उठ गया था। तो आज मैडम ने कहा कि चाय पीनी है, तो चलो उनके साथ चाय पीने जा रहे हैं, डिंपल मैम के साथ। एज यू नो दैट की लास्ट वीडियो आपने देखी है उनके साथ, तो उन्होंने कहा मॉर्निंग में सुबह सुबह चाय पीने हैं। तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, भाई हम चाय ना पिलाए ऐसा हो सकता है क्या? तो बिना डिले किए और थोड़ा सा, तो चलो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है हमारी। और मुझे ना ठीक से दिख नहीं रहा, क्योंकि तो ज़्यादा डिले करते नहीं है, हम तुरंत निकलेंगे और तुरंत ओम फो करते हुए निकलेंगे। सारी चीज़ें हम देखते हुए चल रहे हैं और कंटिन्यूसली जो है, मैंने लास्ट वीडियो जो डाली थी वो आप देखो डिंपल मैम के साथ, कैसी है कैसी नहीं है सारी चीज़ें बताना मुझे कमेंट करके, और ऐसे ही मैं लेके आता रहूँगा ब्लॉग में हमेशा, रोज़ डेली में लाता हूँ, एज यू नो दैट कि हमेशा ही मैं लेके आता हूँ। तो जाहिर सी बात है आप देखोगे जब तो मालूम चलेगा ना। तो ओम फो काटते हुए निकल रहे हैं, अभी तुरंत ही पहुँचना है एंड्रयूज़गंज, वही तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं यहाँ से। और मैंने आज पहना है फुल गियर, बस मैंने सोचा वो यार मॉर्निंग में निकल रहे हैं पूरी तरीके से गियर पहन के निकलते हैं, और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए मैंने पहन ली है फुल गियर, जैकेट ग्लव्स सारी चीज़ें पहन रखी है, क्योंकि नए फ़ोटोज़ भी क्लिक करने हैं ना भाई, काफ़ी पुराने पुराने फ़ोटोज़ रखे हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो अब नए फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, और भी ज़्यादा मतलब अच्छे अच्छे पोजेज़ में फ़ोटो क्लिक करना है, ये काफ़ी टाइम हो गया है। तो ज़्यादा डिले करते नहीं है, वो मैम ना इंतज़ार कर रही है, और हमेशा की तरह एज यू नो दैट आई एम आज भी लेट है, तो आई एम आज भी लेट है, और शी वॉज कॉलिंग मी एंड जस्ट डूइंग व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू लेट आज भी। तो मेरे मुंह में ज़बान नहीं बची जब ये चीज़ बोला ना उन्होंने, ना तो वाकई में मेरे मुंह में ज़बान ही नहीं बची, मैं क्या बोलूँ कि हाँ मैं लेट हूँ, लेकिन हाँ सच बताऊँ तो मतलब 5 बजे से मैं उठा पड़ा हूँ, लेकिन वही है कि आलस, आलस सबसे बड़ी चीज़ है आलस, जो कि फिर भी ठीक है यार कोई नहीं। तो अभी सबसे पहले फटाफट पहुँचते हैं हम उनके पास और चलते चलते बात करता हूँ मैं। तो भाई बाहर निकल चुका हूँ, बाहर निकलते ही पहले फुल ऑन स्पीड में आ रहा हूँ मैं, कंटिन्यूसली मैं स्पीड में आ रहा हूँ, और ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है मुझे बाहर निकले हुए, अभी 10 मिनट हुआ है, और 5 मिनट में एस्टिमेट मिले लेके चल रहा हूँ कि मतलब मैं लाजपत नगर 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा, और लाजपत नगर से पहले ही पड़ेगा वो साउथ एक्स, तो साउथ एक्स से मैडम को उठाना है वहाँ से, मतलब उनको वहाँ पिक करना है, पिक करने के बाद फिर हम जाएंगे चाय पीने। तो बने रहो सुबह की चाय हमारे साथ पियो और मज़े करो। तो भाई सुबह सुबह आ चुका हूँ मैं एंड्रयूज़गंज के पास ही हूँ, साउथ एक्स मेरे इस तरफ है राइट साइड में, और हमारा खाना बंदो यहाँ खड़ा है, और हमारा मॉन्स्टर भी साथ में है, तो मैडम आ रही हैं, अभी बोली है कि मैडम आ रही हैं, तो ये गेटअप बना के आया हूँ मैं आज, और जल्दी यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से हम साकेत जाने वाले हैं चाय पीने, क्योंकि वहाँ पर चाय ना बहुत बढ़िया मिलती है, तो वहीं जाके चाय पीऊँगा अभी मैं, और वेटिंग वेटिंग चल रही है, तो देखो किस लुक में आती हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, देखना चाहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ, आप भी देखना चाहते हो, आए हो आपको अच्छा लगे ये ब्लॉग में, तो बने रहो ब्लॉग में और देखते रहो, तो जैसे मैडम आती है मिलवाता हूँ मैं तुम्हें, तो चलो बने रहो। तो भाई डिंपल आ चुकी है हमारे सामने, हेलो तो बोल दो इन्हें। तो अभी हम जा रहे हैं साकेत, ठीक है, वहाँ पर चाय अच्छी मिलती है इस वजह से, तो नींद विंद तो नहीं आ रही ना? आ रही
कोई नहीं, चलते हैं भाई फटाफट चलते हैं, उसके बाद फिर जल्दी आ जाएंगे। ये बैठ जाओ। तो भाई निकल चुकी है हमारी जर्नी और मेरे साथ बैठी हुई है डिम्पल। तो अभी चल रहे हैं फटाफट यहाँ से साकेत, साकेत जाके वहाँ पे हम चाय पियेंगे, दिखाता हूँ मैं, वहाँ पे बातचीत करेंगे सारी। और बने रहो ब्लॉग में, देखते रहो। और आज मॉर्निंग बहुत सुहाना है मेरे लिए, आप लोग बताना आपका कैसा रहा मॉर्निंग, तो कमेंट करके ज़रूर बताना यार, कमेंट करके हमेशा कंटिन्यूसली ना, मतलब मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसा लगा ब्लॉग आपको, सारी चीज़ें। और सुबह सुबह है तो भाई तेज़ी में खींचूँगा ही, क्योंकि इतना ना भीड़ मिलेगा अभी, ना ही कुछ भी, ना ट्रैफिक, तो मज़ा आ रहा राइड में। काफ़ी टाइम बाद जो है मैं सुबह सुबह निकला हूँ, एक बार और मैं सुबह सुबह निकला था जब सारे के सारे हम बंदे जितने भी थे सब थे साथ में, और मॉर्निंग में निकले थे, फिर शाम को भी मैं निकलता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। तो अभी फटाफट पहले जो है मैं साकेत पहुँचूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो बने रहो ब्लॉग में सद्दाम ब्लॉग, और कैसा लगा बताना ज़रूर। भाई आ चुके हैं चाय स्टॉल पे, हम अभी हैं पीवीआर साकेत, देख सकते हो यहाँ मेरे पीछे ना पीवीआर साकेत है, यहीं पे मैं वॉकिंग था। और डिम्पल मैडम अभी बाल सवाने में लगी पड़ी है, क्योंकि अभी आया है ना, मतलब उड़ाता हुआ आया हूँ, बिल्कुल एकदम उड़ाता हुआ। तो चाय, तो भाई चाय आ चुकी है, देख रहे हो चाय आ चुकी है, चाय बहुत ही मस्त लग रही है। डिम्पल अच्छा यहाँ बैठ जाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कुछ चाहिए, बिस्किट वगैरह, एनीथिंग एल्स, मट्ठी वगैरह? नहीं मैं तो चाय ले रहा हूँ बस, और कुछ नहीं ले रहा बस। अरे ठीक लग रहे हो भाई, ये मेरे को मोटी बोल रही है मैडम, एक बार देखना ये मुझे बता ना। ठीक है, मैंने तो नहीं बोला तुम्हें मोटी, अभी मैंने कभी नहीं बोला, बोला भैया बोला होगा, लेकिन ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं बोलने का, मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल कुछ को देखना सर। और कुछ नहीं, तो चाय चेयर्स करना है, चाय चेयर हो रही है भाई, देख रहे हो चेयर। हर कोई दारू बियर वगैरह ये सब करते हैं, हम चाय तो चाय चेयर्स हो रही है। और डिम्पल सुबह सुबह उठ के कैसा लग रहा है? नींद आ रही है, नींद पहली बार इतनी जल्दी उठी है। और वैसे कितने बजे उठते हो? 10 बजे। भाई साहब 10 बजे अगर मैं उठने लगा मेरी कमर तो ऐसा बोलेगी कि भाई साहब टूट के ना बिखर जाएगी। अच्छी आती है, रास्ते ज़्यादा नहीं अच्छी आती सुबह, सही है। नहीं मुझे 5 बजे से लगता है जैसे आधी रात हो जाए। भाई ये मेरी हालत नहीं है कि मैं सोता रहता हूँ सुबह सुबह, इतना ज़्यादा नहीं सो पाता। नहीं अभी जैसे मैंने सुबह सुबह जब मैं जबरदस्ती आपके लिए, अच्छा मिलने के लिए आने के लिए, ऐसे कभी अब ना सो के देखना 10 बजे तक, फिर मुझे 11 बजे फ़ोन करके बताना कैसा लगा। बाकी काम कौन करेगा फिर, जब मैं ही सोता रहूँगा। एक दिन मैं उठी हूँ ना, मैं भी डेली में उठती हूँ उस टाइम पर। चलो ट्राई करके देखेंगे, जो मैडम कह रही है क्या वो सही है या गलत है। 10 बजे तक जो लोग सोते होंगे 10 बजे तक उनसे पूछना। हाँ भाई आप में से कौन कौन 10 बजे तक सोते हैं भाई बताना ज़रा, बताएंगे अभी रुक जाओ ये लोग। ठीक है तो चलो चाय पीते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कैसा लग रहा है ये हेलमेट पहन के? बहुत भारी लग रहा है। भारी लग रहा है, कितना किलो? 5-6 किलो। नहीं इतना भी नहीं है, हालांकि इसका वेट होगा अराउंड 3 किलो होगा। हाँ तो मैं तो कंटिन्यूसली पहनता हूँ इसको, तो भाई अभी फोटो सेशन हो रहा था, काफ़ी बढ़िया तरीके से फोटो सेशन हुआ है, और पीवीआर के बाहर ही हम फोटो क्लिक कर रहे थे। तो अब निकलने वाले थे, चले अब बाइक तुम चलाओगे? नहीं तो चलो इनका हेलमेट, अब रुको रुको मैं निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ। तो डिम्पल कैसा लगा हेलमेट पहन के? अच्छा नहीं लगा? क्यों, इतना प्यारा हेलमेट है, लोगों को इतना पसंद आता है, तुम्हें अच्छा ही नहीं लगा? अच्छा पता चलेगा, देखने में तो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है।
हैं, देखने में अच्छा लगता है, वैसे अच्छा नहीं लगता। भारी तो है, बैठते हैं। हाँ 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 हाँ, चला 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 चला, उठा ही लो पहले तुम। ये जोर लगा के हाइशा, उठ गई उठ गई उठ गई, अब फाइनली उठ गई। लेकिन कहीं उस तरफ ना चले जाना बस, नहीं। अच्छा, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। हाँ चलाना ज़रा, स्टार्ट करो। पागल हो? अच्छा भाई साहब, ये लड़की देख रहे हो, एक खून माफ़ करवाना चाहती है, मतलब जानबूझ के ठोकना है तुम्हें, है ना। चलो चलो गाड़ी खड़ी करो, वरना तुम लेके सोते रहोगे। ओ भाई, अबे यार, चलो बैठो। बैठ गए? तो भाई अब पीवीआर से हम निकल रहे हैं, क्योंकि मैडम ने हेलमेट पहना है, इनका हालत ख़राब हो गया। सच बताऊँ तो कह रही है सांस नहीं आ रही। सच में इतना हेवी लगता है क्या? हैं, चलो जैसा भी है, मेरे लिए तो कंफर्ट है, मुझे इतना हेवी लगता ही नहीं है, मुझे नॉर्मली लगता है। अच्छा, मॉन्स्टर हूँ मैं इसलिए, इससे भी हेवी हेवी आती है पता है। हाँ नहीं, मुझे तो नहीं होती है बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, ये लॉजिक लाते कहाँ से हो, ये लॉजिक लाते कहाँ से हो। तो भाई हमने चाय पी ली, मस्ती कर ली, और हमने फ़ोटो क्लिक करी है अभी, वो भी फ़ोटो वगैरह मैं अपलोड करूँगा तो देखना। और अब चल रहे हैं यहाँ से। तो इनको पहले छोड़ूंगा, उसके बाद फिर हम निकलेंगे घर। तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं है इनको छोड़ने में, धुर्राटे काटते हुए आए थे, धुर्राटे काटते हुए हम निकल जाएंगे यहाँ से। और भाई स्पीड की तो पता ही है इसकी ना, स्पीड कितनी ज़्यादा होती है। तो ईज़िली जो है, मतलब 10 मिनट में आना जाना हो जाता है साकेत से साउथ एक्स, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और काफ़ी अच्छा लगा यार, सुबह सुबह उठ के हमने चाय पिया और मस्ती करी, काफ़ी टाइम बाद मतलब इतनी सुबह उठे हैं। और ये भी क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, मतलब इतना ढीट की तरह एकदम से निकल रहे हैं, ये नहीं कि थोड़ा वेट कर लें, हमें निकलने थे, नहीं हमें जल्दी हो रही है, बट स्टिल फिर भी क्या है कि मतलब नहीं, मुझे जल्दी जाना है। तो भाई कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग, और ये कैसी लगी मैडम। तो आज इन्होंने बाइक सिर्फ उठाई थी तो इतना डर रही थी, इतना डर रही थी पूछो मत। और मैंने फिर ध्यान आ गया कि हाँ नाज़नी ने ठोकी थी बाइक, तो मैंने बोला नहीं चलाना बिल्कुल भी नहीं है आज, तो बिल्कुल भी नहीं चलाना, इसलिए मैंने मना कर दिया कि स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार नाज़नी मैडम ने ठोक दिया था, मैं नहीं चाहता कि दोबारा ठोके ये। तो भाई ज़्यादा डिले करते नहीं है, मैडम को पहले छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद हम बातचीत करेंगे अपना। और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, ये दूसरा दिन है मैडम का, तो मतलब थोड़ा सा हिचक थी कि सुबह सुबह उठना एंड ऑल सारी चीज़ें। बाकी हाँ यार, अच्छा लगता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, कभी आप भी निकलो जो उठते नहीं हैं मॉर्निंग में, वो सुबह सुबह उठो, देखो और इन्जॉय करो। मॉर्निंग का जो व्यू होता है ना, काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी प्यारा होता है, और काफ़ी अच्छा लगता है जब मॉर्निंग में निकलते हैं। यार आप लोग ज्वाइन हुआ करो, जितने भी आते हो, वीडियोस देखते हो, बहुत सारे लोग हैं जो लाइव ज्वाइन करते हैं, उनके कंक्लूजन्स होते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं, मैं वहाँ पे सॉल्व करता हूँ, और मैं बताता हूँ सारी चीज़ें ए टू जेड, ब्रीफ करता हूँ कि हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है, ए टू जेड। तो उसी तरीके से मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जो है अपने क्वेरीज़ लेकर आओ लाइव वीडियो में, और मैं रोज़ लाइव आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आ नहीं पाता सच कहूँ तो। लेकिन हाँ ये है कि जब भी मैं लाइव आता हूँ, अच्छे खासे लोग जो हैं आके वहाँ पे क्वेरीज करते हैं, तो मैं चाहूँगा आप भी आओ,
आप भी अपने सवाल लेकर आओ और पूछो मुझसे, मैं चाहता हूँ बताना, सारे क्वेश्चंस के आंसर देना चाहता हूँ ए टू जेड। और हम पहुँच चुके हैं मैडम के जगह पे। क्या हुआ? सर घूम गया क्यों? हेलमेट पहनने से तो फिर अब स्पीड में चलाता हूँ मैं। अच्छी तो आ रही हो? नहीं बहुत अच्छे आ रहे हो यार, सच में बहुत अच्छे आ रही हो। और डिम्पल कोई नहीं कोई नहीं, चल जा फिर सो जाओ, कोई नहीं ठीक है, ध्यान रखना, बाय बाय। चलो बाय। तो भाई मैडम को कर दिया है टाटा बाय बाय, वो जा चुकी हैं डिम्पल मैम। और इनका इंस्टा आईडी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके जिनको फॉलो करना है, इनसे बात करनी है, आप कर सकते हो जाके और इनको फॉलो कर लेना यार, कि मतलब इतना तो कर दो। ये है कि भाई बहुत मज़ा कर रहा हूँ मैं अभी, और सुबह सुबह उठ के आज मतलब जो ये जैकेट वगैरह पहन कर आया ना, इतना फुल्ली ऑसम लग रहा है ना अभी। सारे के सारे पूछ रहे हैं कि भाई अच्छे लग रहे हो, ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे यार हर कोई तारीफ़ करे, तारीफ़ होता है ना, तब जाके मज़ा आता है बेसिकली, सच कहूँ तो ज़्यादातर बढ़िया तरीके से। और एज़ यू नो दैट कि मतलब दिल्ली में जो है 7 बजे ना मॉर्निंग ख़त्म हो जाती है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि भाई धूप इतना ज़्यादा है और सुबह सुबह ही गर्मी लग रही है, सच कहूँ तो सुबह सुबह ही अच्छी खासी गर्मी लग रही है। इस वजह से अब जितना जल्दी हो सके मैं घर पहुँचूँगा, क्योंकि भाई हो चुका है टाइम, और पूरी रात ना सोने की वजह से मैं चाहूँगा कि थोड़ा जल्दी पहुँचूँ मैं घर, और पहुँचने के बाद जो है मैं सो जाऊँ। बाकी व्लॉग जो है मेरे सोने से पहले तुम लोग को मिल जाएगा, तो इन्जॉय करना। शायद तुम जब व्लॉग देख रहे होगे तब मैं शायद सो रहूँगा, और फिर उसके बाद उठूँगा, तो उठने के बाद जो है थोड़ा बहुत काम है, वो काम करूँगा, काम करने के बाद फिर मिलेंगे शाम को, मैं भी शायद फिर दोबारा निकलूँ। और अच्छा लगता है यार, मैं रोज़ डेली इस तरीके से मतलब तुम्हारे लिए ना काम करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है कि आप लोग इन्जॉय करते हो फुल ऑन और मस्ती करते हो, कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो ज़्यादा डिले करते नहीं है, आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, और जितने भी आते हो यार मैं सब्सक्राइब करके जाया करो भाई, अच्छा लगता है तुम लोग आते हो, विजिट करते हो, मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पे। मैं लाइव भी आता हूँ, तो वहाँ पे भी आप देखो और इन्जॉय करो, लाइव में क्वेश्चंस क्वेरीज वगैरह सब कुछ पूछ सकते हो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, बाय बाय, टेक केयर, आदाब, नमस्कार।